हेलो दोस्तों, सो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें स्क्रिप्ट क्यों लिखी जानी चाहिए। जी हाँ, स्क्रिप्ट क्यों लिखी जानी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए उसकी सबसे बड़ी सक्सेस होती है कि उसकी वीडियोस में अच्छे से अच्छा व्यूज आए। वो व्यूज कैसे आते हैं? किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने चैनल को ग्रो करे और अपने वीडियोज में काफी अच्छे व्यूज लेके आए। और ये व्यूज कैसे आएंगे, तो आज मैं आपको इस टॉपिक में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग लिखनी चाहिए। वो क्यों और उससे क्या होगा? स्क्रिप्ट लिखने से जो आपका सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि आप किसी भी टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, अपने बातों को अच्छे से किसी भी टॉपिक पे समझा सकते हो सामने वालों को। इससे क्या होगा कि जो व्यूवर्स होंगे वो आपके टॉपिक से रिलेट करेंगे, आपके टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझेंगे और आपके वीडियोस को देखना पसंद करेंगे, जिससे आपके ऑटोमेटिकली व्यूज काफ़ी अच्छे आने लगेंगे। तो स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों लिखनी ज़रूरी है ये तो मैंने आपको बता दी, पर स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे लिखें ये भी ज़रूरी है। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे लिखें। तो जो स्क्रिप्ट राइटिंग में लिखी जाने वाली सबसे बड़ी बात है वह ये कि आप अपने स्क्रिप्ट में उन कंटेंट का यूज करिए जो उस टाइम पे ट्रेंड पे चल रही हो। आप अपने स्क्रिप्ट में उन कंटेंट्स को यूज करिए जो उस टाइम पे ट्रेंड पे चल रही हो और आपके लिए काफी फायदे हेल्पफुल हो और आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। ऐसे स्क्रिप्ट को लिखने के लिए जो आपके पास कंटेंट होते हैं, ये कंटेंट सही है या नहीं, आप अपने कंटेंट को कैसे क्लियर करते हैं? जी हाँ, आप अपने कंटेंट को कैसे क्लियर करते हैं कि ये कंटेंट सही है या गलत? तो इस चीज के भी काफी इजी प्रोसेस है। रिसर्च के द्वारा आप अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं कि जो चीज आप अपनी वीडियो में बता रहे हैं वो सही है या गलत। रिसर्च, अब हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं? तो जनरली लोग रिसर्च किसी सर्च इंजन से करते हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल और भी कई ऐसे चीज़ें और भी कई ऐसे माध्यम हैं जिससे वो अपने कंटेंट को जिससे वो अपने कंटेंट पे रिसर्च करते हैं और क्लियर करते हैं कि जिस चीज़ को वो आपके सामने जिस चीज़ को वो आपको बताने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इसके लिए वो न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स और बुक की भी हेल्प लेते हैं। किसी भी कंटेंट में रिसर्च करके किसी भी कंटेंट में रिसर्च करना क्यों ज़रूरी होता है? जनरली ऐसा होता है कि जो आपके पास नॉलेज होता है किसी भी टॉपिक पे वो थोड़ा होता है या फिर भ्रमित होता है, यानी कि आप उस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत। तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आप उस चीज़ पे श्योर होना चाहिए कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आपके व्यूवर्स तक कोई भी गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। तो उसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो रिसर्च ही है। हाँ, रिसर्च के बाद भी एक प्रोसेस है जिसे आप यूज कर अपने की गई रिसर्च को एनालिसिस कर सकते हैं। वो क्या? फैक्ट पॉइंट। जी हाँ, फैक्ट पॉइंट के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपने जिस टॉपिक पर रिसर्च किया है वो सही वे में है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जिस भी क्रिएटर की वीडियोस पे को देख करके अपने कंटेंट को क्लियर कर रहे हैं, तो आप किसी एक क्रिएटर की नहीं बल्कि एक से दो या दो से चार क्रिएटर्स की वीडियो को देखिए और देखिए कि उसमें क्या कॉमन है, क्या सही है और क्या गलत। इस चीज़ का एनालिसिस करने के बाद ही आप किसी नतीजे तक पहुंचिए और अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से अच्छा बेहतर तरीके से लिखिए और लोगों तक प्रेजेंट करिए। ये सबसे बड़ी बात है आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपको कंटेंट के साथ साथ वर्ड पावर भी प्रोवाइड करती है जिससे आप अपने वीडियोस को काफी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।